बांधवगढ़ टाइगर नेशनल पार्क के पनपथा रेंज में बाघ के चंगुल से भैंसों ने अपने मालिक की जान बचाई। बाघ के हमले से आहत जख्मी लल्लू यादव के मवेशियों ने अपने मालिक को बाघ का शिकार होने से जिस तरह बचाया, वह पालतू पशुओं की वफादारी का एक नायाब नमूना है। भैंसे जैसी हिम्मत तो इंसान भी नहीं कर पाता। यह दास्तान बाघों के गढ़ टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क बांधवगढ़ की है, जब जंगल में दिन भर अपनी भैंसों को चराने के बाद पशुपालक लल्लू यादव शाम को मवेशियों को लेकर अपने घर कोठिया गांव लौट रहा था। तभी अचानक झाड़ियों में छिपे बाघ ने हमला बोल दिया। मालिक को बाघ के चंगुल में फंसा देख भैंसों ने वफादारी दिखाई और अपनी जान की परवाह ना करते हुए मालिक को बचाने मुकाबले के लिए डट खड़ी हुई, जिससे मजबूरन बाघ को अपना शिकार छोड़ना पड़ गया। आहत लल्लू के पास मोबाइल था, जिसके जरिए घर और वन विभाग को उसने सूचना दी, जिसके बाद पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके जख्मों का इलाज शुरू हो गया है। घायल लल्लू यादव ने बताया कि मैं इसके पहले भी मवेशी लेकर कोठिया के इस कच्चे मार्ग से आ चुका था, कभी भी बाघ की आहट नहीं मिली। दोपहर करीब 3:30 पर अचानक पीछे से बाघिन ने झपट्टा मारा, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर गया। बाघ का पंजा मुंह के पास गाल व कंधे में लगा था, खून की धारा बहने लगी थी। आंखें खुली तो सामने बाघिन खड़ी थी। दहाड़ते हुए वो गर्दन में पंजा मारकर मुझे मुंह से दबाने का प्रयास कर रही थी। एक पल के लिए लगा मेरी मौत सामने खड़ी है। तभी मेरी भैंसे तेज आवाज करते हुए बीच में आ गई। भैंसों ने समूह बनाकर बाघिन को घेर लिया। आखिरकार बाघिन को मुझे छोड़कर खाली हाथ जंगल में लौटना पड़ा। मैं जंगल गया सर मवेशी चराने, उधर पानी पिलाते समय पता नहीं एक पेड़ के पास छिपा था टाइगर ने, दौड़ा मुझे हमला कर दिया, किल्टाने लगा था, भैंस दौड़े छड़ा ली। इसके बावजूद मैं गांव में फ़ोन किया, गांव वाले जंगल डिपार्टमेंट में फ़ोन करके बताए, उधर से उठा के ले आए मुझे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।